देश भर के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद हमारी ये स्पष्ट समझ बनी है, चाहे आप वर्षा के आंकड़े देख लीजिए, चाहे आप अपनी आंख का प्रमाण देख लीजिए, इस राष्ट्रव्यापी सूखे का केंद्र उत्तर प्रदेश है। चर्चा ज़्यादा महाराष्ट्र मराठवाड़ा की हुई है, दरअसल इसकी धुरी, इसकी नाभि, इसका केंद्र उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इस साल बारिश की कमी 45% है, 20% से कमी को काफ़ी बड़ी कमी माना जाता है। पूरे प्रदेश का औसत 45% है। मैं तुलना के लिए आपको बता दूं कि मराठवाड़ा, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा वहाँ पे संकट हुआ है, जो है वास्तव में, तो महाराष्ट्र के उस छोटे से इलाके मराठवाड़ा, जहाँ पे सूखे का सबसे बुरी मार है, उस इलाके का औसत 40% कमी है, और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य की औसत 45% कमी की है। इतनी बुरी स्थिति यहाँ बारिश की हुई है। खास तौर पे बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे इलाके हैं जहाँ ये डर लगता है, ये आशंका उत्पन्न होती है कि ये सूखा कहीं अकाल में न बदल जाए। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि अकाल आ चुका है, ये बहुत बड़ा शब्द है और इसका बहुत सावधानी से प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये आशंका बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के बारे में पैदा हो रही है कि ये सूखा कहीं अकाल में न बदल जाए। जहां तक जानवरों की बात है, उनके लिए तो शायद अकाल शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में कई इलाकों में पेयजल का गंभीर संकट है, किसानों की खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है, रबी की फसल बोने में हिचकिचा रहे हैं, कम से कम उसमें निवेश करने की स्थिति में आज किसान नहीं है। इसके अलावा कई जगह खाद्यान्न का, या कम से कम पौष्टिक खाद्यान्न का संकट शुरू हो चुका है, चाहे वो बच्चों के लिए दूध हो, घरों में दाल हो, ऐसे चीजों का संकट प्रदेश में शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से ये आशंका उत्पन्न होती है कि ये सूखा कहीं अकाल में न बदल जाए। बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में तो अपनी आंख से देखने घूमने के बाद हमें महसूस हुआ है कि ये बिल्कुल एक आपात स्थिति है, और अभी पिछले 2 दिन मैं वहीं बुंदेलखंड में वापस गया था ताकि हम बुंदेलखंड की स्थिति पे एक विशेष सर्वेक्षण करें। जो जाने माने अर्थशास्त्री जॉन ड्रेज हैं, वो और मैं मिलके हमने एक सर्वेक्षण डिज़ाइन किया है, और बुंदेलखंड के 200 गांवों में जाके, बुंदेलखंड की 28 तहसील हैं, 28 की 28 तहसील के कोई 200 गांवों में जाके हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कहीं भुखमरी की नौबत तो नहीं आ रही है। तो एक कमज़ोर जर्जर व्यवस्था, जिसका इस वक्त इम्तिहान हो रहा है, जबकि लोगों को सचमुच राशन की ज़रूरत है, वैसे में वो व्यवस्था लोगों के साथ खड़ी नहीं है। इसको देखते हुए, संकट की स्थिति को देखते हुए, और अभी तक जो कुछ हुआ है उसकी कमी कमजोरी को देखते हुए, हमने सरकार के सामने कई सुझाव रखे हैं। पहले रखे थे कल के अध्ययन और घूमने के बाद, और लोगों से पिछले हफ्ता 10 दिन में बात करने के बाद, और हमने उसमें सुधार किया है और सुधार करते जा रहे हैं। पहली चीज़, 2-4 सुझाव मैं बता देता हूँ क्या है। पहला, सबसे पहले तो कि उत्तर प्रदेश में सूखे की घोषणा हो। सूखे की घोषणा कोई सरकारी प्रेस विज्ञप्ति नहीं होती, वो एक कानूनी दस्तावेज है, जिसका मतलब है कि तुरंत राहत कार्य शुरू होते हैं। उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे भयावह स्थिति है, वहाँ ये घोषणा ना होना बहुत हैरानी का विषय है, पहली चीज़। दूसरा, कुछ इलाकों में जहाँ स्थिति बेहद खराब है, उन्हें आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। केवल सूखा नहीं, वहाँ तो एक विशेष आपदा घोषित होनी चाहिए। कम से कम बुंदेलखंड को, चूंकि वो तीसरे चौथे साल इसकी मार झेल रहा है,
बुंदेलखंड को तो एक विशेष आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, इस वक्त लोगों को पहली चीज जिसकी जरूरत है वो है खाना। खाने का स्टॉक खत्म होता जा रहा है, अन्न खत्म हो रहे हैं। बुंदेलखंड के कुछ इलाकों से अपुष्ट समाचार आए हैं कि लोग वहाँ एक फिराक बोलते हैं, ऐसा एक जंगली घास होती है, उसकी रोटियां बना के खाना शुरू करने की रिपोर्ट है। अब ये कोई भी अकाल के बिल्कुल पहले चिन्ह यही होते हैं, तो मैं अपुष्ट समाचार बता रहा हूँ। हम इसको फिर वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है नहीं, क्योंकि इसके बारे में डर फैलाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों को खाने की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है। तो हमारा सुझाव है कि प्रदेश के जो आपदाग्रस्त इलाके हैं, सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, वहाँ ये APL, BPL, अंत्योदय, इस सब का डिस्टिंक्शन समाप्त करके हर राशन कार्ड को BPL राशन कार्ड मान लिया जाए और हर राशन कार्ड पे वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो कि BPL है। क्योंकि प्रदेश में इतने गरीब लोगों के पास APL कार्ड हैं और इतने समर्थ लोगों के पास BPL कार्ड हैं कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो हर कार्ड को सफ़ेद कार्ड मान लिया जाए, BPL कार्ड मान लिया जाए, हमारा सुझाव है। तीसरा, लोगों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर मुहैया करवाए जाएं, नहीं तो दशहरे के बाद ही शुरू हो गया है, दिवाली के बाद बहुत बड़े पलायन का खतरा है। आज भी आप झांसी स्टेशन में जाके देख सकते हैं, पलायन शुरू हो चुका है।